आज हम पढ़ रहे हैं रैंडम नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। एक होते हैं सीक्वेंस नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 7 8 1 3 5, मतलब जो किसी पैटर्न को फॉलो करें, और एक होते हैं रैंडम नंबर जो किसी भी पैटर्न को फॉलो ना करें। अब रैंडम नंबर में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं कहाँ पे यूजफुल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें रैंडम नंबर तो आर यूजफुल फॉर लॉट्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग टास्क। अब कौन सी टास्क है, द फॉलोइंग आर जस्ट फ्यूज, जैसे कह रहा है रैंडम नंबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन गेम्स, गेम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर गेम्स डेट लेट प्ले अ रोल डाइस यूज रैंडम नंबर्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द डाइस। जैसे कि अगर आप कोई वो लूडो का गेम है और लूडो के गेम के अंदर जो है वो बार बार आपको जो है एक अलग नंबर चाहिए होता है, तो उसमें डाइस के लिए आपको हर दफा एक रैंडम नंबर चाहिए होता है। रैंडम का मतलब जो किसी सीक्वेंस को या पैटर्न को फॉलो नहीं करता हो। प्रोग्राम्स दैट शोस कार्ड्स बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द शफल डेक एंड यूज रैंडम नंबर्स टू रिप्रेजेंट द फेस वैल्यू ऑफ द कार्ड्स। जैसे हम कोई कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं और ऑलवेज जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो कार्ड हर दफा एक नया अपने ऊपर वैल्यू दिखाए, तो वहां पर भी ऐसे प्रोग्रामिंग मेथड में आपको रैंडम नंबर चाहिए होता है। वो फिर किसी रेंज के अंदर हो या रेंज से बाहर हो, वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वजहों इसने हमें बताई है कि रैंडम नंबर की मोस्टली जरूरत जो हो सकती है वो गेम्स के दरमियान में हो सकती है। फिर आगे बता रहा है रैंडम्स आर यूजफुल इन सिमुलेशंस, सिमुलेशन प्रोग्राम इन सम सिमुलेशंस। सिमुलेशंस प्रोग्राम कौन से होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो किसी फिजिकल काम को करने के लिए एक डमी तौर पे बनाए गए हो। जैसे मिसाल के तौर पे अब वैसे तो सिमुलेशंस हम कहते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, जैसे कि अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइविंग का एक सॉफ्टवेयर है, बाकायदा आपको एक मशीन में बिठा दिया जाएगा, उसमें हैंड ब्रेक होगा, लेग ब्रेक्स होंगे, स्टीयरिंग होगा, और एक सॉफ्टवेयर के जरिए वो प्रोग्राम गेम्स चल रहा होगा, आप गाड़ी चला रहे होंगे, आपको फीलिंग आ रही होगी। तो सिमुलेशंस प्रोग्राम के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। जैसे जब कंप्यूटर मस्ट रैंडमली डिसाइड हाउ पर्सन एनिमल इंसेक्ट और अदर लिविंग बीइंग विल बिहेव, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें ये मुख्तलिफ लोग किस तरह से बिहेव करें रैंडमली। फार्मूलाज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन विच रैंडम नंबर इज यूज टू डिटरमाइन वेरियस एक्शंस एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द प्रोग्राम, मतलब मुख्तलिफ रैंडम नंबर्स वहाँ पे जनरेट हों जिसके ऊपर वो कोई भी एक एक्शन या फार्मूला जनरेट करे। यानी कि कोई भी सीक्वेंस से हटके जब भी कोई टास्क परफॉर्म कराना होगा तो वहाँ पर आपको रैंडमली नंबर जनरेट कराने होंगे। रैंडम नंबर्स आर यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम दैट मस्ट रैंडमली सिलेक्टेड डेटा फॉर एनालिसिस, ऐसे प्रोग्राम जिसमें किसी डेटा से कोई डेटा एनालिसिस कराना है, उसमें कोई रैंडमली डेटा को उठाना है और उसका एनालिसिस कराना है, तो वहाँ पर भी इसको आपको हेल्प कर सकता है। पहले इब्तदाई दौर में इसने 4-5 मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए हैं, आप गूगल करेंगे इससे अच्छी एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगी रैंडम नंबर के हवाले से, और आगे आप कोई ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसमें आपको कहीं पर यूटिलाइजेशन मिलेगी रैंडम नंबर की, तो वहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रैंडम नंबर्स आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर सिक्योरिटी टू इनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा, रैंडम नंबर वहाँ भी यूज होता है कि डेटा को जब हमें इनक्रिप्ट करना होता है। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है जैसे कि हमने यहाँ से अपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे जाता है, सबसे पहले वो मेरे मोबाइल में टाइप हुआ और सेंड किया, सेंड होने के बाद वो चढ़ा नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क पे जब वो चढ़ा और मेरे मोबाइल से निकला, इसके बीच में मेरे मोबाइल से उसको कर दिया जाएगा इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब होता है एक फार्मूले के जरिए उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसकी शक्ल वक्ल चेंज कर दी जाएगी। जब वो नेटवर्क पे जाएगा तो वो बिट एंड बाइट की शक्ल में होगा, 0 एंड 1 में, और बिखरे हुए लेटर्स की सूरत में होगा। फिर जब वो दूसरे मोबाइल के एंड पे पहुंचेगा, यानी कि जितने नेटवर्क बीच में आएंगे उनको क्रॉस करता है दूसरे मोबाइल के एंड पे पहुंचेगा, तो वो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होगी, वो दोबारा से उसको डिक्रिप्ट करके और जैसा मैंने मैसेज भेजा था उसको वैसी फॉर्मुलेशन में दिखा देगा। तो दोनों साइड पे एक फार्मूला लगा हुआ है, एक इनक्रिप्ट करने का और डिक्रिप्ट करने का, और चूंकि फार्मूला कंपनी ने अपने तौर पर एप्लीकेशन में बनाया हुआ है तो वही जो उसको इनक्रिप्ट कर रहा है वही डिक्रिप्ट करेगा। तो जो इनक्रिप्ट का प्रोसेस होता है उसमें वो जो डेटा होता है मुख्तलिफ रैंडमली कैरेक्टर्स में नंबर्स में डिवाइड हो जाता है, ताकि कोई अगर उसको कॉपी कर भी ले तो अगर उसके पास वो फॉर्मूला नहीं है डिक्रिप्ट करने का तो वो उससे कोई चीज़ बना ना सके। तो इस तरह के मामला हो रहे होते हैं और वहाँ पर भी रैंडम नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कह रहा है सी लाइब्रेरी हैज़ द फंक्शन रैंड, अब सी लाइब्रेरी के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड, यू कैन यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स रैंड रिक्वायर्ड्स CSTlib header file. इसके लिए हमें अगर ये function use करना है तो ये वाली file को use करना होगा जिसका नाम है CSTdlib. ठीक है, इसमें हमें ये function मिल जाएगा. The number returned from function is integer. इसकी जो return type है, मतलब जो data आपको return करेगा वो integer होगा, whole number में होगा. Here is an example. आप जैसे rand लिखेंगे और y करेंगे तो ये आपको एक number return करेगा. चले पहले हम इसका थोड़ा सा एक practical कर लेते हैं, फिर इसका output लेके देख लेते हैं different तरीके से क्या आ रहा है. तो सबसे पहले हमने यहाँ से डेव सी प्लस प्लस को लॉन्च कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके हमने एंटर कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास
जैसे यहाँ पे एक फाइल लोड हो गई और यहाँ पे हमने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को ऐड करा लिया, और फिर हमने सी एस टी लिप पाइप को भी इसके अंदर ऐड करा लेना है, सी एस टी ठीक है। और यहाँ से इंटीजर कराने के बाद इंटीजर मैन कर दिया और वो नहीं लिखा यूजिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसको रख के ब्रैकेट से लगा दिया और सी आउट करके यहाँ पे हमने सिस्टम को पास कराना है, तो ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं इंटीजर गेट दम के नाम से, ठीक है, और एक असाइनमेंट लगा रहे हैं आगे और उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। फिलहाल इसको हम जीरो कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं गेट दम असाइनमेंट और आगे एक रैंड फंक्शन जो इसके अंदर है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पर इसका आउटपुट अभी हम ले लेते हैं इसका, तभी तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा, सी आउट कर दिया यहाँ से और गेट दम का आउटपुट हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे ले लिया। तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, 41 आउटपुट आ रहा है, सही। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंड लाइन भी इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं, तो तीन आउटपुट अलग अलग लेके देखते हैं कि क्या तीनों आउटपुट जो है एक ही आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, या तीन के आउटपुट बनाए हमने और यह आउटपुट देखे तो तीन आउटपुट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रैंडम नंबर फंक्शन एक दफा कॉल हुआ और उसने एक रैंडम नंबर जनरेट किया और जनरेट करने के बाद वो उसने वेरिएबल को दे दिया। जब वंस उसने वेरिएबल को दे दिया तो नंबर कितनी बार ऑपरेट हुआ, एक बार। तो एक बार में उसका नंबर जनरेट किया 41 उसको दे दिया, 41 ही तीन दफा आउटपुट में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने दोबारा से रन किया तो 41 ही इसके वेरिएबल के अंदर आउटपुट में आ रहा है। तो यही हमें यहाँ समझाना चाह रहा है कि अगर आप ये फंक्शन यूज करेंगे आफ्टर दिस सिस्टम एग्जीक्यूट द वाई विल कंटेन अ रैंडम नंबर इन एक्चुअली द नंबर प्रोड्यूस बाय द रेड आर शीडो रैंडम, ठीक है ना। जो नंबर जनरेट होके आया उसको हम क्या कहते हैं, शीडो रैंडम। द फंक्शन यूज द एल्गोरिदम दैट प्रोड्यूस द सम same sequence of numbers each time program is repeated on the same system. For example, suppose the following statement are executed. अब तीनों statement में एक ही आएगा क्योंकि system पर एक ही दफा ये number generate हुआ. The three number displayed will appear the random which but each time the program runs the same three values will be generated. In order to randomize the results, अब कह रहा है कि अब अगर हमें result को अपना randomize करना है, the srand function must be used. तो दूसरा function use करेंगे कौन सा है, srand. srand accepts an unsigned integer argument. Unsigned integer argument से क्या मतलब है, positive value, ठीक है ना, zero से जो आगे की होगी positive होगी, negative value का input नहीं लेगा, which acts as seed value. अब ये seed value क्या होती है, किसको idea है, तो थोड़ा सा इसके बारे में knowledge ले लेते हैं कि what is seed value. तो यहाँ से हम करते हैं seed या basic को, बुनियाद को तो नहीं कह रहा ये, ठीक है। तो a number used as starting point for a sequence of numbers that are generated randomly, यानी कि जो उसका पहला नंबर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट नंबर होगा, उसको ये कह रहा है सीड वैल्यू। a seed value is a number used as the starting point for a sequence of numbers that generated randomly, यानी कि जो पहला नंबर स्टार्टिंग पॉइंट से जनरेट होगा उसे हम कह रहे हैं सीड वैल्यू, सही है, समझ में आ गई सीड वैल्यू। तो अभी 41 हमारे पास सीड वैल्यू आ रही थी ना उसकी, तो कह रहा है कि ये जो क्या करेगा, which acts as a seed value for the algorithm by specifying different seeds values, rand will generate different sequence of random number. Okay, कैसे generate करेगा वो? तो इसके लिए भी इसने एक process बताया है कि भाई देखें, a common practice for getting unique value in a call of time function. एक और function है time which is part of the standard library family, यानी कि stdlib का जो library का पूरा word है standard library है. The time function return the number of seconds that have elapsed since midnight January 1, 1970. मतलब time function seconds में हमें value return करेगा जो January 1, 1970 से continue elapse होते जा रहे हैं. मतलब January 1, 1970 रात 1:12 बजे से जैसे जैसे time आगे गुजरता जा रहा है एक एक second, तो time function उस second को आगे आगे value pass करता जा रहा है. तो यहाँ पे कह रहा है the time function requires that C time header file. इसके लिए हमें जो एक header file required होगी वो C time चाहिए होगी. And you pass zero as argument. और इसकी जो value आप इस function को pass करेंगे argument के तौर पे वो zero होगा. Program demonstrator should
जनरेट द थ्री डिफरेंट रैंडम नंबर ईच टाइम इज एग्जीक्यूटेड. अब बता रहा है कि ईच टाइम जब एग्जीक्यूट होगा अलग अलग रैंडम नंबर कैसे आएंगे. तो सबसे पहले हमने रैंड और srand फंक्शन को यूज करने के लिए cstlib फाइल को हमने ऐड कराया, उसके बाद इंक्लूड कराया ctime फाइल को टाइम फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है. और फिर हमने वही सैम्प करके आगे आगे. अब उसके बाद सीड नंबर रैंडम नंबर हमें मिला srand से, srand से हमने सीड किया. लेकिन ये सीड कहाँ से मिल रहा है, अनसाइंड करके एक वेरिएबल लिया है सीड और उसमें टाइम आर्ग्यूमेंट को पास किया टाइम जीरो. टाइम जीरो उसको करंट सेकंड्स पास करेगा और वो चले जाएंगे अनसाइंड के अंदर, सॉरी सीड के अंदर, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर लेगा नेगेटिव नहीं लेगा, ठीक है. उसके बाद हमने क्या करना है, srand करके सीड किया तो srand क्या करेगा, उस नंबर को रैंडमली घुमाएगा. घुमाने के बाद उसका अब जब आउटपुट आएगा तो यहाँ पे तीनों अलग अलग आउटपुट हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाइम फंक्शन में सेकंड ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, इस वजह से वो तीनों को चेंज करेगा, ठीक है. तो इसको अभी हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली. सबसे पहले हमने इसके अंदर यही करना है कि जो अभी हमने अपने प्रोग्राम में किया था कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर गेट नंबर लिया था, ठीक है, उसको रैंड के अंदर पास किया था तो तीनों का आउटपुट एक आ रहा था. इसी प्रोग्राम को हम सेव करके कर देते हैं क्लास 14 रैंडमाइज नंबर्स, ठीक है. तो यहाँ पर एक और फाइल हम ऐड कर लेते हैं हैश इंक्लूड सी टाइम, ठीक है, ये भी ऐड हो गई इसके अंदर. और यहाँ पर हमने अनसाइन करके एक, चलो गेट नम की जगह पे सीड के नाम से ये ले लेते हैं प्रोग्राम, और यहाँ पे ले लिया. और यहाँ पर हमने उसके साथ जो है टाइम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जीरो, ठीक है. तो वो इसको एक आर्ग्यूमेंट पास कर देगा. फिर srand फंक्शन से हमने उसको राउंड करवाना है. srand का आर्ग्यूमेंट हमने क्या पास किया उसको, जो सीड के अंदर आया था इस तरीके से. तो ये इस तरह से srand का इसको रैंडम करेगा और ऑलवेज, ठीक है. तो यहाँ पर आते हैं हम एक मिनट इसके ऊपर. तो पहले अनसाइन करके टाइम फंक्शन से ले लिया और srand करके सीड को हमने रैंडम करा दिया, ठीक है. उसके बाद अब इसके आउटपुट को जनरेट करना है. तो तीन दफा जब हम रैंड को आउटपुट करेंगे तो यहाँ पर और फिर वही तीन स्टेटमेंट दोबारा से लिखते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिखी थी. तो अब की हमारी जो सी आउट करके रैंड फंक्शन को हमें आउट कर देना है, तो आर ए एन डी रैंड, ठीक है. और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है. तो एंड लाइन तो लगा हुई, तो यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं अब आउटपुट क्या आ रहा है इसका. तो देखें तीनों वैल्यूज इसकी डिफरेंट आ रही हैं. अच्छा अभी बंद करते हैं फिर चलाते हैं प्रोग्राम को, और फिर देखें, फिर बंद करते हैं प्रोग्राम को, फिर चलाते हैं उस प्रोग्राम को. तो ऑलवेज जब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो ऑलवेज तीनों नंबर रैंडम हो जाते हैं. तो पहली टेक्निक में आपने ये देखा कि किस तरीके से हम उसको रैंडम वाला मामला कर रहे थे, और दूसरे वाली आपने टेक्निक में ये देखा कि किस तरह से आपने तीनों बार या चार बार पांच बार हर दफ़ा एक नया रैंडम नंबर कैसे हम इसमें प्रोड्यूस करा सकते हैं.